आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मंत्र। इस विद्या का नाम है चाक्षुषोपनिषद, चाक्षुषी विद्या। पहले हाथ में जल लेकर के विनियोग पढ़ें। ओम अस्याश्चाक्षुषी विद्यायाम अरिन बुधन्या ऋषिर गायत्रिश्छंदः सूर्यो देवता चक्षु रोग निवृत्ते विनियोगः। वह जल पृथ्वी पर छोड़ दें और मंत्र बोलें। ओम चक्षुः 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 तेजा स्थिरो भवा माम पाहि पाहि त्वरितं चक्षु रोगान समय समय मम जात रूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम अंधो नश्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्व जन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुस्ते ज्योदात्रय दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय मृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्या याक्ष तेजसे नमः खेचराय नमः महते नमः रजसे नमः तमसे नमः असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान् शुचिच्छिरूपः हंसो भगवान् सुचिरप्रतिरूपः। य इमां चाक्षुष्मति विद्यां ब्राह्मणो नित्यं धीतेन तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अंधो भवति। अष्टौ ब्राह्मणानां सम्यग् ग्रहयित्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय अहो वाहिनी स्वाहा। इस चाक्षुषी विद्या के श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करने से नेत्र के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, आँख की ज्योति स्थिर रहती है। इसका पाठ नित्य करने वाले के कुल में कोई अंधा नहीं होता। पाठ के अंत में गंध आदि युक्त जल से भगवान सूर्य को अर्घ देकर नमस्कार करना चाहिए। श्री शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र। नागेन्द्रहाराय त्रलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रथमनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनांज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय बृहद्ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनींद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। श्री शंकराचार्य विरचितं शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र संपूर्णम्।